हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आरयूएचएस बीएससी एंट्रेंस एग्जाम 25 होने के बाद अपन एक सॉल्यूशन लेके आएंगे, जिसमें अपन ने मैंने आपको सभी बताया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। तो आज जो हमारी क्लासेस होने वाली है उसमें केमिस्ट्री बायोलॉजी की क्लासेज है, वो आपको लाइन बाई लाइन मैंने केमिस्ट्री सॉल्व करवाई और निधि शर्मा मैम ने आपकी बायोलॉजी सॉल्व करवाई। तो स्टूडेंट, जो आंसर्स हैं जो हमारे पास स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजे थे उनके गैस क्वेश्चन थे, जो मैं आपको बता दूंगा उनमें वो आंसर करेक्ट थे। बाकी का अगर कोई भी डिस्टर्बेंस आता है या फिर कोई ऑप्शन इनकरेक्ट होता है या फिर कुछ लगता है अजीब सा, तो वो आपको 28 का एग्जाम होने के बाद आपको पता चल ही जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। और अभी आपने अपने क्वेश्चंस पेपर से खुद से भी गूगल वगैरह से भी चेक किए होंगे आपने आंसर्स, और कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऑलरेडी आ गए थे किसी स्टूडेंट्स के थ्रू और उनकी एक हाईली डिमांड थी कि इसके ऊपर वीडियोज बनाए जाए, उनके लिए सॉल्यूशन दिए जाए। एक्चुअली ऑप्शंस तो किसी को याद नहीं थे, किसी भी स्टूडेंट्स को, तो हमने अपने अकॉर्डिंग ये बता दिए सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको वो सभी सही भी होंगे। अब वो ज्यादातर क्वेश्चंस क्या होता है कि आपके सॉल्यूशंस पे डिपेंड करता है, तो इसलिए अगर कुछ एक दो में अगर आपको लगता है कि मिस्टेक है या फिर आपकी खुद की मिस्टेक्स लगती है, तो देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 28 को अभी जब प्रॉपर वे में एग्जाम पेपर आएगा हमारे पास में, तो प्रॉपर उस पर भी वीडियोस बनाई जाएगी। मैंने आपके लिए सॉल्व बायोलॉजी का पूरा एग्जाम आपका सॉल्व कराया है और गौरव सर ने आपके लिए केमिस्ट्री का सॉल्व कराया है, जो आपकी अभी आने वाली है वीडियो। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग सभी देखना प्लीज, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जिनको भी चैप्टर से डाउट हो, वो मैडम के निधि शर्मा बायोलॉजी 360 चैनल, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप एक बार चैप्टर देख सकते हो। अगर आपको कोई कंफ्यूज होता है तो उस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपना चैनल तो आप सभी की सेवा में हाजिर है, जल्दी कट और वीडियो और आंसर की सब कुछ जल्दी आएगा। ये आंसर की इसलिए जरूरी बनाना था क्योंकि स्टूडेंट की बहुत ज्यादा डिमांड थी। स्टूडेंट, जैसे ही आपका वो आता है पेपर, उसके नेक्स्ट वीडियो डॉक्यूमेंट्स होगी, कट ऑफ होगी, सब कुछ प्रॉपरली एकदम क्लियर कट, ना कोई झूठ, जो सच है वो सच रहेगा। स्टूडेंट, बस सच ही तो फेमस है अपना, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल। और अभी आपका फिलहाल 25 जैन को आरयूएचएस एंट्रेंस एग्जाम लगा था, सो उसका अभी बायोलॉजी का पेपर में जो अभी कुछ बच्चों के थ्रू मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए उन्हें मैं सॉल्व करा रही हूँ। उनकी हाईली डिमांड थी कि इनके क्वेश्चन के आंसर बताए जाए, तो मैं आपको पहले एक इन्फॉर्म कर देती हूँ कि ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है आंसर, तो अभी हम सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके लिए आंसर बताएंगे। सो लेट स्टार्ट करते हैं आपका बायोलॉजी का पेपर, जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आए, और कोड कोई सा भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। और हाँ, मैं ये सब कुछ इंग्लिश में सॉल्व कराऊंगी, हिंदी में आपके गौरव सर आपको बता देंगे। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। तो इसका सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर है आपका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज योर आंसर। जो भी आपकी किडनी होती है उसका फंक्शन और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज दैट, अगर फादर, इफ द फादर आर कलर ब्लाइंड, देन व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर सन टू बी अ कलर ब्लाइंड। ओके, सो आपका ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट का आंसर था नेफ्रॉन, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर आपके फादर है वो कलर ब्लाइंड है, तो फादर मतलब मेल, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मेल एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं फीमेल। ओके, तो अगर आपका जो फादर है वो कलर ब्लाइंड है, तो एक्स वाई से हम फादर मेल को डिनोट करते हैं, तो ये कलर ब्लाइंड है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कलर ब्लाइंड का जो ये एक्स पर ही प्रेजेंट होता है और फीमेल नॉर्मल है, सॉरी एक्स एक्स, फीमेल नॉर्मल है और फादर क्या है आपके कलर ब्लाइंड है, तो क्या सन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ऑब्वियसली सन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हम एक बार देख लेते बॉक्स बनाकर, ये फीमेल का हो गया, ये आपका मेल का हो गया। सो एक्स सी एक्स डॉटर, एक्स सी एक्स एंड एक्स वाई इज नॉर्मल एंड एक्स वाई इज नॉर्मल, तो सन की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, यहां से जीरो आई, सो इसका आंसर है जीरो। यहाँ अगर डॉटर की प्रोबेबिलिटी पूछता तो आपको बताइए, इसमें पूरा टोटल जितनी भी डॉटर्स होंगी आपकी, वो सभी कलर ब्लाइंडनेस से अफेक्टेड होंगी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज दैट,
टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड विच कनेक्ट्स द मदर टू फीटस. ओके, जो आपके थर्ड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपका ऐसा कौन सा टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो मदर से फीटस तक कनेक्ट करके रखता है. ऑब्वियसली बच्चों, इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्लेसेंटा. जानते हो ना प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो क्या कनेक्ट करके रखता है आपकी मदर से, फीटस को कनेक्ट करके रखता है. डीऑक्सीजनेटेड जितने भी वेस्ट मटेरियल वगैरह होते हैं वहां से एक्सचेंज कराता है आपके बच्चे जो भी फीटस तक. क्या प्रोवाइड कराता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है. सो फर्दर गोइंग ऑन फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज दैट हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया बाय विच एंजाइम. मतलब हाइड्रोलाइसिस जो आपका यूरिया है उसके कौन सा एंजाइम है जिसके थ्रू उसका हाइड्रोलाइस होता है? तो इसका आंसर है यूरिएज. आंसर इज दैट यूरिएज. और फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, बोन्स ऑफ वर्टिब्रे आर डिराइव्ड फ्रॉम विच लेयर. जो आपकी बोन्स होती हैं वर्टिब्रे की किससे डिराइव होती है? मीसोडर्म से डिराइव होती है. मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर्स ही लिखूंगी क्योंकि अगर क्वेश्चंस को लिखेंगे और फिर आंसर्स तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी. आप अपनी सिर्फ आंसर्स मैच करो और आपको याद भी होगा. और हाँ, मैंने जैसे कि आपको पहले बता दिया था कि ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, हम सिर्फ क्वेश्चंस के बेसिस पे आंसर बता रहे हैं. सो आप देख लेना. नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज दैट विच लेयर स्लग्ड आउट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन के दौरान आपकी ऐसी कौन सी लेयर है जो डिस्ट्रॉय होती रहती है एवरी मंथ? और जो है इसका आंसर क्या है? सिक्स्थ का एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम इज द लेयर विच डिस्ट्रॉय एवरी मंथ ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन. नेक्स्ट फर्दर गोइंग ऑन सेवेंथ क्वेश्चन. अब इसमें पूछ रहा है एग्जाम्पल ऑफ सॉर्डे प्लांट. सो एग्जाम्पल क्या होगा सॉर्डे प्लांट का? सोयाबीन होता है, टमाटो. इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं. टमाटो होता है आपका डे न्यूट्रल प्लांट. और जो सोयाबीन, तो इसका एग्जाम्पल हो गया सोयाबीन. सेवेंथ क्वेश्चन इज सोयाबीन. पेपर आपका काफी इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही आंसर्स क्लिक हो रहे हैं. सो आई होप आप सबका क्वेश्चंस आप पेपर क्वेश्चन पेपर अच्छा गया होगा. नाउ द एट्थ क्वेश्चन इज पूषा कल्याणी किसकी ब्रांड है? ऑब्वियसली मस्टर्ड की ब्रांड है. पूषा कल्याणी किसका है? मस्टर्ड. अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज वाटर पॉलिनेटेड प्लांट. सो इसमें बच्चे ने आंसर ऑप्शंस भेजे हुए थे. ए ऑप्शन पे है वाटर लिली, बी है वाटर हाइसेंथ, सी है वेलिसनेरिया और डी उसने कुछ भेजा नहीं. सो इसमें है आपका वेलिसनेरिया, क्योंकि कई अक्सर क्या लगता है कि वाटर लिली और वाटर हाइसेंथ आपके वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं, बट एक्चुअली वो वाइंड और इंसेक्ट के थ्रू होते हैं. सो कंफ्यूज नहीं होना है. और इसका आंसर क्या है आपका 9th का? वेलिसनेरिया. वेलिसनेरिया जो सरफेस वाटर की सरफेस पे जाके पॉलिनेटेड करता है, इसके ऊपर वीडियो भी है बायोलॉजी 360 चैनल पर, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं. वेलिसनेरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स. अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज पॉलन ग्रेन लैंड्स ऑन. ऑब्वियसली स्टिग्मा पे लैंड करता है आपका पॉलन ग्रेन अगर कहीं से भी आ रहा है फॉर एग्जाम्पल. और ये है आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी. तो कहाँ पे लैंड करेगा? डायरेक्टली यहीं पे तो लैंड करेगा. और इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं. बच्चों ये आपका 12th क्लास के जो एनसीईआरटी से दो चैप्टर है इनिशियल वाले, रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, उसकी वीडियोस मेरे चैनल पर है बायोलॉजी 360 बाय निधि शर्मा. वहां से जाके आप एक बार देख सकते हैं, अपने कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं. सो 10th क्वेश्चन हो गया. नाउ द क्वेश्चन 11 इज ज्वाइंट बिटवीन द कार्पस. ज्वाइंट बिटवीन द कार्पस के अंदर क्या होगा? ग्लाइडिंग होगा.
और इसमें सेकंड ऑप्शन भी दे रखा है सैडल। बच्चे कंफ्यूज भी होंगे कि कई बच्चों ने सैडल लगाया होगा, एक्चुअली उसमें सैडल नहीं है। सैडल क्या होता है, आपका जो कार्पल है और आपके थंब का मेटाकार्पल, इनके बीच का जो जॉइंट होता है वो होता है सैडल। जबकि आपका टार्सल्स जो आपके पैरों में प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी लेग की बोन्स प्रेजेंट होती है, और आपका जो हाथों में जो कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर कौन सा होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट। तो एग्जाम 11th क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स ओके। अब आता है आपका एसोसिएशन एरिया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, एंड दिस इज अ क्वेश्चन 12th क्वेश्चन का आंसर है एसोसिएशन एरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर, दैट इज द मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। सो आपका ये क्वेश्चन नंबर है 12th, एसोसिएशन एरिया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। ओके, एसोसिएशन एरिया किस पे रेस्पॉन्सिबल होता है, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन पे रेस्पॉन्सिबल होता है। आई होप ये आपका ऑप्शन में होगा और आप सबका ये सही भी होगा। सो 12th क्वेश्चन का आंसर क्या है, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। एसोसिएशन एरिया जानते हो ना कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके ब्रेन के अंदर जो आपके फ्रंटल पार्ट और यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये मोटर पार्ट से रिलेट होता है, और जो क्या फंक्शन करता है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, आपकी मेमोरी एंड कम्युनिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वैसे यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, ओनली आंसर्स बताने, आई नो। सो क्वेश्चन नंबर है 13, अ कीमो सेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, ओके, विच इज हाईली सेंसिटिव टू। आपका कीमो सेंसिटिव एरिया जो आपके उसके पास में रिदम सेंटर होता है, वो किसके लिए हाईली सेंसिटिव होते हैं, मतलब किसके घट जाने से, किसके बढ़ जाने से वो अफेक्टेड होते हैं, तो उसका आंसर होगा है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा CO2 एंड H+ आइंस, हाइड्रोजन आइंस। ओके, देख लेना अपने ऑप्शन से, अब रिलेट हो रहा है तो देख लेना, और एक बार जैसे आपका पेपर आ जाएगा हमारे पास प्रोफेशनल फॉर्म में, तो हम एक बार देख लेंगे और उससे फिर एक और वीडियो बना देंगे, बट अभी आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। सो ये है कंप्लीट, मैं अभी इरेज कर देती हूँ, जिसको भी आंसर्स देखने हैं वो एक बार फिर से देख लो। सो स्टूडेंट फर्दर क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एंड क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर तो मेरे को पता नहीं था कौन सा था, अभी फिलहाल आई थिंक 15 क्वेश्चन हो गया होगा। सो अभी क्वेश्चन है आपके, टाइप ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमन, आपके ह्यूमन के अंदर कौन सा टाइप है प्लेसेंटा का जो प्रेजेंट होता है, इसका आंसर होगा हीमोकोरियल इज द आंसर। ओके, एंड नाउ द अनदर क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर 200 स्पर्म्स, आपके अगर 200 स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसके लिए कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपका देखो, अगर आपका प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, तो इससे कितने स्पर्म्स होते हैं, डायरेक्ट अगर देखें तो कितने होते हैं, 4 होते हैं ना, एक स्पर्म, दूसरा एंड द थर्ड वन, लास्ट 4th, मतलब प्राइमरी से डायरेक्ट पूछता है तो 4 होते हैं, है ना। अब इसने कहा है कि अगर आपके 200 स्पर्म्स हैं तो उसके लिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, और अगर यहीं से हम सेकेंडरी का देखें, सेकेंडरी से डायरेक्ट कितने होंगे बच्चों, डायरेक्ट होंगे 2, तो मतलब, और इसमें आपके कितने टोटल स्पर्म्स कितने दे रखे हैं, 200 स्पर्म्स दे रखे हैं, 200 अगर स्पर्म्स है और डायरेक्ट सेकेंडरी से कितना होगा, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की जरूरत पड़ेगी, 100। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ जिनको भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। देखो अभी हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को आप थोड़ा साइड में रखो और अभी फोकस करो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से अगर आपके 4 स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से कितने होंगे, पहले आता है स्टेप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की, फिर आता है आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अगर जो आपका इसमें क्या होता है, 2 times माइटोटिक डिवीजन होता है ना, तो आपका जब डायरेक्ट इससे पूछ रहे हैं तो 4, और अगर आपका सेकेंडरी से पूछ रहे हैं तो सिर्फ 2, तो इसलिए
इसलिए हमने इसे किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया है ना। और अब ये आपके टोटल कितने दे रखे थे क्वेश्चंस में, 200 स्पर्म्स दे रखे थे। अब इसमें से जब आपने डिवाइड कर दिया तो टोटल कितने, मतलब कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ऑब्वियसली 100 की होगी। आई होप आई एम वेरी क्लियर अप टू हियर। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में दोबारा से पूछ सकते हैं, आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वो हम और गौरव सर सॉल्व करवाएंगे। सो मूव फर्दर ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया। फर्दर ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लिवर इज कवर्ड बाय विच लेयर। देखो यहाँ पे लेयर की बात की गई है, अगर आपके क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दिया गया होगा ग्लीशियन कैप्सूल, तो ग्लीशियन कैप्सूल क्या है, आपका टिश्यू है ना, तो यहाँ पे बात किसकी की गई है, लेयर की। तो लेयर होगी पेरिटोनियम, 100% आपके ऑप्शन में पेरिटोनियम दिया गया होगा, तो वहीं पे उसका आंसर क्या होगा, पेरिटोनियम। अगर ये टिश्यू लेवल पे बात होती कि द लिवर इज कवर्ड बाय विच टिश्यू, देन वी कॉल्ड द ग्लीशियन कैप्सूल। सॉरी, ग्लीशियन कैप्सूल इसका आंसर होता, जो क्या है, एक फाइब्रस टिश्यू है जो लिवर को ट्रांसपेरेंट के फॉर्म में कवर्ड करके रखता है। बट लिवर इज कवर्ड बाय विच लेयर, द क्वेश्चन इज The question is the liver is covered by which layer? So that's answer is peritoneum. Now we move further on another question. Yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about. Okay, अगर आपका yeast है, अगर उसे alcohol के साथ में mixed करें तो उसकी concentration कितनी होनी, मतलब कितनी से कितनी above होनी चाहिए जिससे कि वो poison बन जाए। अगर वो 13% से above होगी तो वो पॉइजन हो जाएगी। सो इसका आंसर है 13। देखो मैं ना क्वेश्चन नंबर पिछली वाले में भूल गई थी जब मैंने रेस किया था, तो देख लेना है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, हाँ, स्टॉप कोडोन कौन कौन सा है आपका। स्टॉप कोडोन आपके तीन ही होते हैं बच्चों। स्टॉप कोडोन कितने होते हैं, स्टॉप कोडोन आर 3, UAA, UAG and UGA। तो ये ही तीनों आपकी क्या है, स्टॉप कोडोन है। और ऑप्शन में अगर इनमें से कोई तीन दिए गए हैं तो आप वो देख लेना, इन तीनों में से यही तीन आपके क्या होते हैं, स्टॉप कोडोन होते हैं। सो विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग एन आई, ऐसा कौन सा आई का पार्ट है जो कंट्रोल करता है लाइट को एंटर, जो जितनी भी उसकी अमाउंट होती है, जितनी भी क्वांटिटी होती है वो एंटर होने से। तो इसका आंसर है आपका एरिस, एरिस इज द आंसर। एरिस जानते हो ना क्या होता है, जो आपका प्यूपिल होता है उसके सराउंड में एक लेयर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एरिस बोलते हैं, जो लाइट की एंट्री को कंट्रोल में करता है। विच, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, which hormone produced from testis, I repeat the question once again, that the which hormone produced from testis, that is the testosterone, iska answer kya hoga, testosterone is the answer। ओके, सो अभी आई थिंक आपको यहाँ से कोई भी डाउट नहीं होगा। और एक क्वेश्चन है, विच इम्यूनिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, इननेट इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है आपके बर्थ से, एक्वायर्ड क्या होती है, जो आप अपने सराउंड एनवायरनमेंट से लेते हो, तो इसका डेफिनेटली आंसर क्या होगा, इननेट होगा। नाउ वी मूव फर्दर, आप जब तक ये आंसर्स देखिए और प्लीज वीडियो को लाइक करो, आपकी कोई भी क्वेरी है देन जस्ट आस्क इन द कमेंट सेशन बॉक्स, और आप जब तक इनको देखो क्या है। सो के आई होप आपने देख लिया होगा, आपने अपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे। नेक्स्ट वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट ड्यू टू विच हार्मोन अमाउंट ऑफ यूरिन इंक्रीज्ड, आपका ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसके थ्रू आप जो यूरिन है वो उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। सो इसका ऑप्शन होगा ADH, ADH जो आपका हार्मोन है वो क्या करता है, आपकी यूरिन की कंसेंट्रेशन को, कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है और उसकी कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कराने में हेल्प कराता है, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी बॉडी से वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेता है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट,
फॉल्स फ्रूट फाउंड इन, फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो डायरेक्ट ओवरी से नहीं बनते, और अनदर पार्ट जो भी आपका फ्लावर जो भी अनदर पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फ्लावर्स के अंदर उससे बनते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, ज्यादातर थैलेमस से बनते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा एप्पल। अच्छा इसमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं बच्चों ने। ओके फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एप्पल एंड कैश्यू, सेकंड है एप्पल एंड मैंगो, मैंगो तो होता ही नहीं है, थर्ड है आपका मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी, फोर्थ है मैंगो एंड कैश्यू। तो देखो जिस जिसमें मैंगो है वो बिल्कुल भी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन, एप्पल एंड कैश्यू इज द राइट ऑप्शन, एप्पल एंड कैश्यू। Now the next question is that which nerves originated from the brain? आपकी ऐसी कौन सी nerves है जो brain से directly originate होती है, and the answer is that cranial nerves. Cranial nerves. ये answer है आपके. Okay. सो आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जितने भी बच्चों ने सेंड किए थे वो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और आपने देख लिया होगा, और अभी आपने आई होप मैच भी कर लिया होगा। और अभी क्या ऑप्शंस पे मैं बता देती हूँ आपके क्वेश्चंस क्या करते हैं, मेजोरिटी क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं, है ना। तो अगर आपका लगता है कि इनमें से कुछ आंसर्स आपसे मैच नहीं हो रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं, अभी कुछ भी डोंट वरी रहो, क्योंकि अभी आपका जब पेपर हमारे पास आएगा, ये क्वेश्चन तो वो थे जो बच्चों ने पूछे थे और उनकी हाईली डिमांड थी कि ये वीडियो बनाई जाए इसके ऊपर, इसलिए बनाया गया है। बाकी का जब पेपर आएगा तो परफेक्ट वे में एक फिर से वीडियो आएगी सॉल्यूशंस के साथ। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच।